और बात हो रही है हिजाब की, तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मारूफ हिजाब डिजाइनर महक फातिमा। आइए इनसे मिलते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महक, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप? सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूंगी माशाल्लाह आपका बहुत प्रिटी फेस है और उसके ऊपर आपने हिजाब लिया हुआ है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे उस हिजाब को देख के लग रहा है कि बड़ी मेहनत हुई है इसके ऊपर। बिल्कुल, वो देख के ऐसे ही लगता है लेकिन मुझे तो प्रैक्टिस हो गई है, तो मुझे तो 5 मिनट्स लगते हैं बस। जब प्रैक्टिस हो जाए तो टाइम नहीं लगता। अच्छा मैं एक ये बताएं, आप तो हिजाब डिज़ाइन भी करती हैं और डेफिनेटली ये वो वाहिद फील्ड है जिसके अंदर इतनी वेरिएशन है, आप इतने कलर्स मैच कर सकते हैं अपने स्काफ के साथ, इनर में और इसमें इतनी चीज़ें कर सकते हैं, तो कैसे इतना आप मैनेज कर लेती हैं, किस तरीके से डिज़ाइन करती हैं? पहले एक ही कलर की थीम डिसाइड करती हैं या फिर डिफरेंट कलर एक साथ? एक्चुअली मेरा ऐसा होता है कि जो आउटफिट है ना उसके हिसाब से हिजाब डिज़ाइन होता है। उसमें जो कलर्स हैं उसके अकॉर्डिंग, या कंट्रास्ट में ले लिया आपने, इस तरह से 3-4 कलर्स मिक्स करके मैं तो हिजाब में यूज करती हूँ, सिर्फ सिंगल नहीं। अच्छा, ये आपने जो अभी इस वक्त हिजाब लिया हुआ है, सबसे पहले तो इसी पे बात करना चाहूंगी, कितनी चीजें आपने इस हिजाब में यूज की है? बिकॉज मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बाहर गर्मी बहुत है और मैं अगर ऐसे लेके निकल गई तो गर्मी से मेरा तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो आप जो हिजाब डिजाइन करती हैं, क्या उसमें ये एलिमेंट होता है कि गर्मियां आ रही हैं तो हमने इस तरह का हिजाब डिजाइन करना है, या सर्दियां हैं तो प्रॉपर मोटे मटेरियल को इस्तेमाल करना? बिल्कुल ऐसा एलिमेंट होता है, क्योंकि बहुत से जो समर मटेरियल्स हैं वो अलग होते हैं और जो विंटर्स हैं वो अलग होते हैं। जर्सी वगैरह विंटर्स में यूज़ होता है और समर में हम विस्कोस टाइप के मटेरियल्स यूज करते हैं जो स्वेट एब्जॉर्बर भी हो और आपको गर्मी भी कम लगे, लाइक एयर पास होती रहे उसमें। तो इस तरह से अब जैसे आपने हिजाब का पूछा तो इसमें स्टोल एक ही यूज़ हुआ हुआ है, बाकी ये एक्सेसरीज हैं जो छोटे छोटे बैंड्स टाइप होते हैं जो 3 or 4 मैंने लगाए। अरे वाह, अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा, ये जो ओवरऑल एक लुक होती है हिजाब की, डेफिनेटली ये बहुत एलिगेंट लुक होती है और कोई भी अगर इसको कैरी करे तो वो अच्छा लगता है। इसके लिए कोई कैद नहीं है कि आपका जो वो चेहरा पतला होना चाहिए, चेहरा मोटा होना चाहिए, या कलर फेयर होना चाहिए, या कलर डल होना चाहिए। ये बताएं कि किस तरह से, बस ये देखा जाता है कि आपके ऊपर सूट क्या कौन सा कलर कर रहा है, तो जो थोड़े से डल कॉम्प्लेक्शन होते हैं इस तरह से, या डिफरेंट फेसेस होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली आप ये हिजाब डिज़ाइन करते हैं? बिल्कुल, ये सोचा जाता है कि जैसे आपका जो फेस कट है उसके अकॉर्डिंग आप हिजाब टाई करते हैं। ये बेसिकली फेस कॉन्टोरिंग है, जिस तरह आप मेकअप से करते हैं हिजाब से हो जाती है। आपका जो जैसे हैवी फेस है तो हिजाब से आप उसको कॉन्टोर कर सकते हैं, स्पेशली जिनकी जॉ लाइन बहुत मोटी होती है वो अगर हिजाब ले तो उनको बड़ा प्यारा लगता है। अच्छा, ये बताइए, आप चूंकि डिजाइन भी करती हैं और डेफिनेटली लोग आपके पास आते भी होंगे इसकी परमाइश लेके, एक टाइम था कि जब मैंने भी ये देखा कि बहुत ट्रेंड में है तो मैंने शुरू किया और मुझे बड़ा शौक चढ़ा था कि मैं ये काम करूंगी, बट देन मैंने आपको बताया कि गर्मी और सीजन और इस आपका काम जो है वो काम की डिमांड कुछ और हो जाती है, तो मैंने शौक में शुरू तो किया था लेकिन उसके बाद मैंने ये ड्रॉप कर दिया। तो आपके पास जो लड़कियां आती हैं किस पॉइंट से, किस माइंडसेट के साथ वो आपके पास आती हैं कि हमने ये हिजाब लेना है, तो ये फैशन में है इसलिए आ रही हैं लड़कियां, या वाकई में उनको इंटरेस्ट है कि हमें हिजाब करना है और अपने आप को कवर करना? अच्छा, अगर आप अब देखें तो फैशन में तो ये बढ़ता जा रहा है हिजाब ट्रेंड जो है, मॉडर्न हिजाब वो बढ़ता जा रहा है। इवन नाइकी ने इंट्रोड्यूस कराया था प्रो हिजाब, तो वो है स्पोर्ट्स वुमेन के लिए कि जो लड़कियां इस तरह से कैरी नहीं कर सकती, जैसे इस तरह का हिजाब आप स्पोर्ट्स में यूज नहीं कर सकते ऑब्वियसली, तो उन्होंने इस तरह के हिजाब्स बनाए। जैसे मेरे पास भी इस तरह के हिजाब्स होते हैं कि वो आपकी जो फील्ड है उसके अकॉर्डिंग हिजाब होता है। ठीक, जैसे आप वर्किंग वुमेन नहीं, तो आपके पास जो आती हैं खवातीन वो फैशन के लिए आती हैं या वाकई में वो चाहती है कि हमने हिजाब करना है? जो ज्यादा परसेंटेज है ना वो फैशन वाली है। हाँ, वही ना, हमारा कल्चर है ना, अब हमारे कल्चर में ये चीज शामिल हो गई है, हमारा रिलीजन सिंबल तो है ही, लेकिन अब ये एनहेंस होता जा रहा है एज कल्चर, क्योंकि हर कोई ये चाहता है नहीं यार हम जीन्स पहने या टी शर्ट पहने लेकिन उसके ऊपर हम कोई ऐसा अपर या हिजाब कर लें ताकि हम कवर भी रहें और प्रॉब्लम भी ना हो। अच्छा, ये बताएं कि बहुत सारे स्टफ होते हैं, शेफून का भी होता है, कुछ लोग जो है वो क्रिंकल पे भी बनवाते हैं, कुछ लोग बहुत प्लेन ऐसा बहुत मुलायम सा या मलाई कपड़े पे भी बनवाते हैं, तो ज्यादातर आप किस फैब्रिक के ऊपर ये बनाती हैं जो? क्योंकि हम कराची में रहते हैं, यहाँ पे तो समर्स आपको पता है कैसे होते हैं, तो उसके हिसाब से जो सबसे मतलब इस वक्त जो सबसे बेस्ट फैब्रिक है वो वॉयल है। अच्छा, वो बाहर से इम्पोर्टेड फैब्रिक होता है, वो ऐसा है कि आपका स्वेट में एब्जॉर्ब हो जाएगा और एयर आपकी जितनी भी लेयर्स है ना हिजाब की उसमें एयर पास होती है, उसमें सारे कलर्स भी अवेलेबल होते हैं, सब कलर्स अवेलेबल होते हैं और डाई भी हो जाते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक ड्रॉबैक होता है कि वो जल्दी टेयर हो सकता है, फट जाएगा जल्दी। अच्छा महक, लेकिन एक चीज होती है कि आपने हिजाब ले लिया, बहुत खूबसूरत भी है, पर आपके फेस पे या तो वो सूट नहीं कर रहा या आपको उसको प्रॉपरली लेना नहीं आता,
क्योंकि आजकल हमने ये देखा कि लड़कियां बगैर हाइट के तो हिजाब लेती नहीं है, हिजाब अगर लेना है तो उन्हें हाइट लगानी बड़ी जरूरी होती है, तो क्या हाइट के लिए भी स्पेसिफिकली कोई कुछ चीजें होती हैं, कोई आपके पास चीजें होती हैं जिसके थ्रू आप हाइट दे सकें, या प्रॉपर बैकवॉर्मिंग और बड़ी मेहनत का काम है, कितनी देर लगती है? नहीं, हाइट के लिए बैकवॉर्मिंग कोई नहीं करते क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, तो वो वॉल्यूमाइजर्स आते हैं जो पीछे आप कैचर की तरह होते हैं, पीछे आप लगा लेते हैं तो वो हाइट आ जाती है, इसको चाहिए हाइट। वैसे कितनी देर लगती है सब में? इस सब में अगर आपको प्रैक्टिस है तो मैंने आपको बताया 5 to 6 minutes लगेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हिजाब कर रहे हैं अगर आप। सही। अच्छा, कुछ स्कार्फ्स की भी बात करते हैं। स्कार्फ भी आजकल जो है बहुत स्टाइलिश आ गए हैं, और हम देखते हैं कि एम्ब्रॉयडर्ड भी होते हैं, प्रिंटेड भी होते हैं। तो अगर फर्ज करें कि मैंने आपसे एक प्लेन अबाया लिया, और प्लेन अबाए पर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे प्रिंट जो है वो मेरे स्कार्फ के अंदर नजर आए, बाकी ओवरऑल प्लेन हो, तो फिर आप इस तरीके से भी डिजाइन करते हैं, या फिर आप खुद सजेस्ट करते हैं कि नहीं इसके साथ ये प्रिंट नहीं अच्छा लग रहा, ये प्रिंट ले लें, या एम्ब्रॉयडर्ड? क्योंकि बहुत सारे स्कार्फ ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडर्ड होते हैं तो वो बहुत हैवी लगने लगता है आपका हेड ना, कि इतना सारा काम आपने सर के ऊपर, तो ये किस तरीके से फिर आप मैनेज करते हैं? सजेशन तो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जो कस्टमर आया है वो आप जो भी डिमांड कर रहे हैं आप सजेस्ट उसको कर सकते हैं, लेकिन फिर ये है कि जो उसकी चॉइस है एट द एंड, वो अगर सजेशन आपकी नहीं भी मानता तो उसकी जो पसंद है उसके अकॉर्डिंग डिजाइन कर देते हैं। ठीक। अच्छा, ये बताइएगा, मैं क्योंकि फंक्शन जो है आपके, कभी भी चाहे शादी का फंक्शन हो, बर्थडे के हो, कहीं पे भी आपको बाहर जाना हो, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारे लिए तो जिनके बाल खुले होते हैं हमने तो कुछ ना कुछ उसमें ब्लो ड्राई करा लिया, कुछ भी ऐसी चीजें करा ली। हिजाब में क्या क्या फैशन है जब आपने बाहर जाना? आपका ड्रेस तो पूरा हैवी है, हिजाब को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं अगर आप लेना चाह रहे हैं? हिजाब में जो सबसे बेस्ट थिंग मुझे लगती है वो एक्सेसरीज हैं, जो आप हर फंक्शन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। जैसे आप शादी में जा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए एम्ब्रॉयडर्ड बैंड जाते हैं जो बहुत थोड़े हैवी से होते हैं, जो आप यहाँ कैरी कर सकते हैं। एक्सेसरीज बहुत सारी आती हैं, और आप टीका भी लगा लेते हैं हिजाब के अंदर। अच्छा, तो वो सब वो इस तरह से मैनेज हो जाता है। अगर आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो वो आपका सिंपल नहीं। सजेशन आपका इस हवाले से क्या है कि ऐसे सब में जहाँ आपका ड्रेस बहुत ज्यादा हैवी हो और आपने जाना हो किसी फंक्शन में, वहाँ पर आपको अपना हिजाब भी जो है वो थोड़ा फैंसी रखना चाहिए, या बिल्कुल प्लेन रखें? नहीं, बिल्कुल प्लेन तो नहीं, थोड़ा सा हल्का फैंसी होगा, लेकिन बहुत ओवर फैंसी नहीं होगा, ओवरडू ना होगा, क्योंकि अगर बहुत हैवी ड्रेस है तो वो बहुत ओवर लुक देगा कि अगर आप हिजाब भी बहुत हैवी करते हैं तो। अच्छा, महक एक सवाल है, और मेरे ख्याल में वो सवाल हर घर में ही होता है, और वो बहस भी हर घर में हो रही होती है, और वो होती है हिजाब की लेंथ के हवाले से, कि आज मतलब मेरी जो मदर है वो अबाया लेती हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा लॉन्ग अबाया लेती हैं, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे जाते हैं या दूसरी मार्केट्स में जाते हैं कि जी हमें अबाया लेना है, अबाया खरीदना है, तो वो उनको थोड़ी शॉर्ट लेंथ दे रहे होते हैं। बेसिकली अरब कंट्रीज़ में या दूसरे ममालिक में, बाहर ममालिक में ज़्यादातर जो है वो लॉन्ग लेंथ होती है। पाकिस्तान में क्या ट्रेंड इन है? पाकिस्तान में आप अबाए की लेंथ कितनी रखें? ये इस सवाल का आप मुझे जवाब दे देंगे, ये बहुत सारे डिजाइनर्स और टेलर्स से भी बड़ी बहस होती है। पाकिस्तान में जिस वक्त ट्रेंड है वो लॉन्ग का है, यहाँ लॉन्ग लोग जो है ना वो लॉन्ग पसंद करते हैं, लॉन्ग। लेकिन जो लड़कियां हैं, लाइक यूथ है ना, वो अब इस तरफ आ रही है कि वो थोड़े से शॉर्ट जैसे कोट टाइप होते हैं, जैसे ईरान या इराक में आप देखते हैं, वो उसकी तरफ आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी जो ज्यादा परसेंटेज है वो लॉन्ग वाली, क्योंकि वो ये होता है कि ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट है ना आपका कि आप पूरा एक वेल करें तो वो पूरा एक लॉन्ग तक जो है वो गॉन टाइप का बन जाता है। नीचे भी जैसे जीन्स पहनी हुई है तो आप ऊपर कोट पहने हुए होते हैं, हाँ। तो नीचे से नजर आ रही होती है। जैसे अब जो बड़ी खवातीन है उनको होता है कि लॉन्ग और सब कुछ हाइड हो, इवन महक बाहर मैंने ये देखा है चलने में प्रॉब्लम, अंदर आपने प्रॉपर जीन्स शर्ट पहनी हुई है और ऊपर से आपने अबाया ले लिया, तो आपने अंदर कुछ भी पहना है, तो आपका अगर अबाया प्रॉपर है पूरा है तो फिर मेरा ख्याल है आप कुछ भी पहन सकते हैं। मैं जैसे कि आप बता रही थी अभी हमें हाइट के हवाले से कि हाइट भी आप दे सकते हैं, थोड़ा सा अगर हम फेस के बारे में बात करें, कुछ लोगों का फेस बहुत पतला होता है, उसके बावजूद वो उसके ऊपर हाइट बनाते हैं, फिर उसके ऊपर स्कार्फ लेते हैं, तो वो इतना ज्यादा हैवी लुक देती है, और कुछ लोगों का फेस बड़ा ही छोटा और मतलब अगर आप कहें कि गोल सा होता है, और उसके बाद वो बिल्कुल एक प्लेन से स्कार्फ ले लेती है, फेस के हिसाब से हिजाब को किस तरह से लेना चाहिए? अच्छा, जैसे आपने कहा कि छोटा फेस पे बहुत बड़ा वो कैरी कर लेती हैं, तो वो ऐसा लग रहा था गिर जाएगा, बिल्कुल फेस हाँ। के मुताबिक हिजाब किस तरह का लेना चाहिए? अच्छा, फेस आपका अगर बहुत छोटा है तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि लूज हिजाब करें, जैसे मैंने टाई किया हुआ है कि मेरा फेस बहुत छोटा नहीं है तो मैंने इसलिए टाई किया हुआ है, कॉन्टो किया हुआ है। अगर आपका छोटा फेस है तो आप लूज, पतला और छोटा है तो आप लूज हिजाब कैरी करें, उसको बिल्कुल ऐसे आप करेंगे तो और ज्यादा छोटा लगेगा, इसीलिए आप लूज हिजाब लेंगे। इसी तरह आपका हैवी है, गोल है, राउंड फेस है, तो आप टाई करने वाले। और हाइट वाला क्या सीन है? हाइट में तो ये तो एक्चुअली लोगों पे डिपेंड करता है, कुछ लोग हाइट लेना चाहते हैं और कुछ लोग नहीं लेना चाहते हैं। तो जो लेना चाहते हैं वो मैंने बताया, जैसे वॉल्यूमाइजर से होता है। अब अगर छोटा फेस है तो आप छोटी हाइट रखें, बहुत ज्यादा जो बड़े वाले वॉल्यूमाइजर होते हैं वो नहीं यूज करें। अच्छा, महक फर्ज करें कि मुझे सिर्फ अबाया लेना है,
और मुझे कैजुअल स्कार्फ लेना है उसके ऊपर, क्योंकि अब ये वाला स्कार्फ मेरे लिए कैरी करना मुश्किल होगा, लेकिन फर्ज करें कि मैंने कोई इस तरह की जीन्स पहनी है, टी शर्ट पहनी है, स्कर्ट पहना है और उसके ऊपर मैं चाहती हूँ कि मैं कोई अपर टाइप या कवर कर लूँ, तो डेफिनेटली अब आया ही कहलाएगा। अगर मैं उसको ब्लैक ही कलर में ले लूँ तो वो रजिस्टर हो जाएगा। तो मुझे उसके साथ फिर किस तरह का स्कार्फ लेना चाहिए, क्योंकि जब भी कभी इस तरह से होता है कि आपको ये अबाया चूज़ करने जाते हैं तो ब्लैक कलर के साथ आपको प्रिंटेड अबाया लेना बड़े मुश्किल हो जाते हैं। इवन दो कि अगर आप किसी और कलर का अबाया ले रहे हो तो उसके साथ आपको कलर मैचिंग आसान होती है, तो ब्लैक कलर के अपर के साथ लाइटर वे में अबाए के साथ आप लाइट सा किस कलर का ब्लैक के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बहुत सारे कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं, कि ब्लैक के साथ सब कुछ मर्ज हो जाता है। अब आप इसमें अगर प्रिंटेड लेते हैं स्टोल्स ब्लैक पे तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे चीता प्रिंट होता है अच्छा। वो बहुत ब्लैक पे सूट करता है। इसी तरह पिंक कलर लाइक बेबी पिंक टाइप जो कलर होता है वो अगर आपका कलर फेयर है तो वो ब्लैक के साथ बहुत सूट करता है। इसी तरह ग्रीन कलर है, धानी कलर होता है जो ब्लैक के साथ सूट ब्लैक के साथ। अच्छा मैं आजकल ज्यादातर लड़कियों में क्या डिमांड है, फैशन ट्रेंड तो ये बन चुका है, लोग यूनिवर्सिटीज में, स्कूल में, कॉलेजेस में, फंक्शन में, कहीं पर भी जाए हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मखसूस पब्लिक है जो हिजाब लेके बैठी होती है और वो बड़े स्टाइलिश तरीके से उन्होंने लिया हुआ होता है। इस वक्त फैशन में क्या है? इस वक्त आप गर्मियों के हिसाब से फैशन सीजन्स के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, तो अभी जो आप 2017 में देखें तो हिजाब्स बहुत बहुत मतलब फैशनेबल लूज चल रहे हैं या फिटेड चल रहे हैं? फिटेड और लूज वो तो दोनों डिपेंड करता है। सही, जैसे मैंने बताया कॉन्टोर आप करते हैं तो वो लूज या नहीं, मैं अबाय की बात कर रही हूं। अच्छा अबाय की, अबाय लूज भी चल रहे हैं, अगर आप कोट लेते हैं तो वो लूज नहीं होता, ऑब्वियसली थोड़ा फिट होता है। सही, लेकिन गर्मियों में कलर्स का बड़ा एक होता है, कलर्स का होता है और ये लोगों को सेंस नहीं भी होती कि कलर्स आप बहुत ब्राइट कलर्स पहन के धूप में जा रहे होते हैं, वो बहुत आपके लिए भी नेगेटिव है, आपकी बॉडी के लिए। थैंक यू वेरी मच, महक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थी और अबाय के बारे में जितनी उन्होंने बातें की बहुत जबरदस्त बेनिफिशियल बातें थी, वो तमाम लोग जो अबाया अब खरीदने जाएंगे या अबाया पहनते हैं उनके लिए बहुत मजे की बातें रही होंगी। और मैं यही समझती हूँ पर्सनली कि अबाय में अबाय को कैरी करना आना चाहिए और दूसरा अबाय में उसका कलर और उसकी मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल, और ये एक हमारा जो हिजाब का एक फैशन ट्रेंड चल चुका है। मेरा ख्याल है कि आज की इस कन्वर्सेशन के बाद आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा कि अपने फेस के मुताबिक आपने हिजाब किस तरह का लेना है।